मेरे दिव्य गुरुदेव परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक इच्छा शक्ति का प्रयोग करना। इच्छा की शक्ति आपके भीतर ईश्वर के प्रतिबिंब का माध्यम है। इच्छा शक्ति में प्रकृति की सारी शक्तियों को नियंत्रण करने वाली ईश्वर की असीम शक्ति निहित है, क्योंकि आप ईश्वर के प्रतिबिंब में बनाए गए हैं। वह शक्ति आपकी प्रत्येक इच्छा को पूरा करने के लिए आपकी है। जब आप कोई अच्छा कार्य करने का निश्चय कर लेते हैं तो उन्हें पूरा करने के लिए यदि आप दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रयोग करते हैं तो आप उन्हें पूरा कर ही लेंगे, चाहे कैसी भी परिस्थितियाँ क्यों न हों। यदि आप प्रयत्न करते रहेंगे तो ईश्वर ऐसा साधन बना देंगे जिसके द्वारा आपकी इच्छा शक्ति को उसका उचित फल मिल ही जाएगा। यही वह सत्य है जिसका बहुत से महात्माओं ने और प्रसिद्ध व्यक्तियों ने जिक्र किया है। यदि तुम विश्वास करो और कोई शंका न करो तो आप इस शक्ति को, इच्छा की शक्ति को डेवलप, विकसित कर सकते हैं। यदि आप इच्छा की शक्ति का लगातार उपयोग करें, फिर चाहे कुछ भी अवरोध आए तो लोगों की सहायता के लिए यह सफलता, स्वास्थ्य या शक्ति को उत्पन्न करेगी और सर्वोपरि यह ईश्वर के साथ संपर्क को उत्पन्न करेगी। एक बार आपने कह दिया मैं करूँगा तो कदापि पीछे न हटें। यदि आप कहते हैं मैं कभी भी सर्दी जुखाम से पीड़ित नहीं होऊंगा और अगली सुबह ही आपको भयानक जुखाम हो जाता है और आप निरुत्साही हो जाते हैं तो आप अपनी इच्छा शक्ति को कमज़ोर बने रहने की अनुमति दे रहे हैं। जब आप अपने प्रतिज्ञापन से विपरीत कुछ होता हुआ देखते हैं तो आपको निरुत्साहित होना नहीं चाहिए, यह जानते हुए कि ऐसा ही होगा। निरंतर विश्वास बनाए रखें। यदि आप बाह्य रूप से कहें मैं ऐसा करूंगा और भीतर से सोचें कि मैं नहीं कर सकता तो आप अपने विचार की शक्ति को निष्क्रिय एवं प्रभावहीन कर देते हैं। आपको यदि घर की आवश्यकता हो और आपका मन कह रहा हो अरे मूर्ख, घर बनाना तो तेरे बस की बात नहीं, तो आपको अपनी इच्छा शक्ति को और अधिक बलवान बनाना चाहिए। जब आपके मन में बस की बात नहीं का भाव निकल जाता है तब ईश्वर की शक्ति उसका स्थान ले लेती है। आपके लिए आसमान से कोई घर नहीं गिराएगा। आपको उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए रचनात्मक कार्यों द्वारा इच्छा शक्ति को निरंतर प्रयुक्त करते जाना होगा। जब आप असफलताओं से हार मान लेंगे, जब आप असफलताओं से हार माने बिना निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो आपकी इच्छित वस्तु प्राप्त हो जाएगी। जब आप लगातार अपने विचारों और अपने कार्यकलापों में उस इच्छा शक्ति का प्रयोग करते रहते हैं तो जिसकी आप इच्छा कर रहे हो उसे साकार होना ही पड़ेगा। यद्यपि आपकी इच्छा के पूर्ण होने का कोई तरीका दुनिया में न हो तो भी यदि आपकी इच्छा शक्ति निरंतर दृढ़ बनी रहती है तो इच्छित परिणाम किसी न किसी तरह प्रकट हो ही जाएगा। संसारी व्यक्ति का दिमाग मैं नहीं कर सकता इन शब्दों से भरा रहता है। कुछ विचार, गुणों और आदतों वाले परिवार में जन्म लेने के कारण वह इनसे प्रभावित होकर सोचने लगता है कि वह कुछ कार्य नहीं कर सकता, वह ज़्यादा चल नहीं सकता, वह इस चीज़ को खा नहीं सकता, वह उसको सहन नहीं कर सकता। उन सभी नहीं कर सकता के भाव को दग्ध करना ही होगा, जलाना ही होगा। आप जो कुछ भी करना चाहें उसे कर पाने की शक्ति आपके भीतर है। वह शक्ति इच्छा शक्ति में निहित है। यदि आप सक्रिय इच्छा शक्ति के साथ किसी विचार को पकड़े रहते हैं
तो वह अंततः साकार रूप धारण कर लेता है। एक विचार को सक्रिय इच्छा शक्ति के साथ बनाए रखने का अर्थ है उसे तब तक बनाए रखना जब तक उस विचार का प्रारूप सक्रिय बल का विकास न कर ले। जब एक विचार को इच्छा के बल के द्वारा सक्रिय बना दिया जाता है तो वह ठीक आपके द्वारा रचित मानसिक प्रारूप के अनुसार साकार हो सकता है। आप इच्छा शक्ति का विकास कर सकते हैं। किसी ऐसे लक्ष्य को चुनें जिसके बारे में आप सोचते हैं कि आप उसे प्राप्त नहीं कर सकते और फिर अपनी पूरी शक्ति के साथ उसी एक कार्य को करने का प्रयास करें। जब आपको सफलता मिल जाए तो किसी बड़े कार्य को हाथ में लें और इस प्रकार अपनी इच्छा शक्ति के अभ्यास को जारी रखें। यदि आपकी कठिनाई गंभीर हो तो गहनता से प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझे अपनी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति दें। हे प्रभु मुझे सभी कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने की पावर दें। आपको अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग अवश्य ही करना चाहिए। चाहे आप कुछ भी हों या आप कोई भी हों, आपको दृढ़ निश्चय करना ही चाहिए। इसकी इच्छा शक्ति को व्यवसाय और ध्यान दोनों में ही प्रयोग करें। यदि शांतिपूर्वक विवेक से सोचने के पश्चात आप निश्चय कर लेते हैं कि आप जो कुछ भी कार्य करने में लगे हैं वह सही है तो कोई भी आपको रोकने में सक्षम नहीं होना चाहिए। यदि मेरे पास करने के लिए कोई कार्य नहीं होता तो मैं संपूर्ण संसार को झकझोर देता तब तक कि लोग यह न कहते उसको कुछ काम दे दो जिससे कि वह शांत हो जाए। यदि आपने स्वयं को विश्वास दिला दिया है कि आप एक असहाय प्राणी हैं और आप किसी भी अन्य व्यक्ति को आपको यह विश्वास दिला देते हैं कि आपको काम नहीं मिल सकता, तब आपने अपने मन में एक आदेश पारित कर लिया है कि आप निकृष्ट और निकम्मे हैं। ईश्वर या भाग्य का निर्माण करना नहीं, ईश्वर या भाग्य का निर्माण नहीं अपितु आपके लिए आपका अपना निर्णय ही निर्धन या चिंतित बनाता है। आपका भाग्य या ईश्वर ये निर्णय नहीं लेते कि आपको निर्धन बनना है या चिंतित बनना है। सफलता या असफलता का निर्णय आपके अपने मन में होता है। शेष समाज की, बाकी समाज की नकारात्मक धारणा के विरुद्ध भी यदि आप अपनी ईश्वर प्रदत्त सर्व विजयी इच्छा के द्वारा दृढ़ धारणा प्रकट करते हैं कि आप कठिनाइयों में दुख भोगने के लिए छोड़े नहीं जा सकते, जो आप एक गुप्त दिव्य शक्ति को स्वयं में उदय होता हुआ अनुभव करेंगे और आप देखेंगे कि उस दृढ़ धारणा और शक्ति का आकर्षण आपके लिए नए मार्ग खोल रहा है।